हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों यदि आप गूगल मैप का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा किस तरीके से दोस्तों आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा सकते हैं। दोस्तों आप यदि गूगल मैप का इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आप दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों गूगल मैप खुद रास्ता बताएगा कि आपको कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ पर आपको चलना है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल यही बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को समझना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो सफर है बहुत आसानी से आप कर पाओगे। दोस्तों आपको उससे पहले काम करना है, जो चैनल पर नए आए हैं, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा दोस्तों, उसको काला कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी गूगल मैप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि आप जैसे एक जगह पर हो और आपको दूसरी जगह पर जाना है तो दोस्तों आपको कैसे आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे वो दिल्ली के और आप आना चाहते हैं हरिद्वार, तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसकी दूरी किस तरीके से देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर आपका सफ़र होने वाला है। दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर की साइड सर्च हेयर के नाम से, आपको दोस्तों उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो टाइप करना है कि आप जिस जगह पर रहते हो। ठीक है, जैसे मैं आप यहाँ पर बताता हूँ, आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, मैं रहता हूँ सहारनपुर, इस तरीके से सहारनपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको इस तरीके से अपनी लोकेशन को सर्च कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डायरेक्शन का, आपको दोस्तों उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको योर लोकेशन का पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं, ठीक है, अब दोस्तों जैसे मुझे सहारनपुर से हरिद्वार पर आना है, ठीक है, इस तरीके से, अब दोस्तों क्या होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको लोकेशन आ जाएगी कि सहारनपुर से हरिद्वार का रास्ता कितनी देर का है। दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 घंटा 25 मिनट का दोस्तों यहाँ पर रास्ता है और दोस्तों 63 किलोमीटर वहाँ से बैठ रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि यदि आप कार से ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप 1 घंटा 29 मिनट में पहुँच सकते हैं सहारनपुर से हरिद्वार। ठीक है, यदि दोस्तों आप बाइक से जाते हो तो दोस्तों 1 घंटा 25 मिनट में, और दोस्तों यहाँ पर है यदि आप पैदल यात्रा करते हैं तो दोस्तों 14 घंटे में आप सहारनपुर से हरिद्वार पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो लोकेशन कितनी दूर है। और दोस्तों यदि आपको सहारनपुर से हरिद्वार पर जाना है और आपको जो फ़ोन है वही खुद रास्ता बताए, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टार्ट के नाम से। ठीक है, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब जब आप राइड करोगे अपनी बाइक पर तो दोस्तों जो आपका मोबाइल है वो दोस्तों आपको खुद रास्ता बताएगा कि किस साइड पर मुड़ना है, किस साइड पर दोस्तों यहाँ पर बता देगा किस साइड पर दोस्तों जाम लगा हुआ है। दोस्तों जहाँ पर आपको रेड लाइट दिखेगी तो दोस्तों वहाँ आप समझ जाना कि यहाँ पर जाम लगा है। दोस्तों जब भी आप कुछ गलत जगह पर पहुँच जाओगे तो दोस्तों आपकी जो गूगल मैप है वो दोस्तों ये बताएगी नो या राइट लेफ्ट, आप दोस्तों जिस आपको मुड़ना है वो दोस्तों गूगल मैप आपको रास्ता बताती रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये माइक का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दोस्तों इसे ऑन करके रखना है और दोस्तों आपकी गूगल मैप आपको इस तरीके से रास्ता बताती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आप गूगल मैप से बहुत कुछ पता लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर जब आप हरिद्वार पहुँच जाओगे आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यदि दोस्तों पेट्रोल की ज़रूरत पड़ जाती है तो दोस्तों आपको अपनी गूगल मैप में ही ये लिखना है पेट्रोल पंप नियर मी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर देना है पेट्रोल पंप नियर मी, और दोस्तों आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके आसपास जितने भी दोस्तों पेट्रोल पंप होंगे, आप दोस्तों जिस जगह पर होंगे, ठीक है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएंगे। कि पिरान कलियर रोड पर दोस्तों एक पेट्रोल पंप है, ठीक है, भगवानपुर झेड़ियान में दोस्तों एक पेट्रोल पंप है, तो दोस्तों आपको क्या काम करना है उस पर ही क्लिक कर देना है। ठीक है, और दोस्तों स्टार्ट के ऑप्शन पे
क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या हुआ, आप जिस जगह पर भी होंगे वो दोस्तों जो जहाँ पर भी दोस्तों ये पेट्रोल पंप है वो दोस्तों आपको रास्ता बताता रहेगा और दोस्तों आप पेट्रोल पंप पर भी पहुँच जाओगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको कहीं भी रेस्टोरेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, होटल की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है होटल नियर मी, ठीक है, इस तरीके से होटल नियर मी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी दोस्तों होटल होंगे आपके पास, ठीक है, आपको जब दोस्तों आप यहाँ पर पहुँच जाओगे आपको रहने के लिए दोस्तों रूम चाहिए होगा, दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो होम टेल रुड़की, ठीक है, होटल का नाम से 6.1 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर का जो रास्ता है आपका, दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। और दोस्तों ये होटल की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। और दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप और क्या चेक कर सकते हो, जैसे दोस्तों आपको ATM की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको पैसे निकालने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप ATM भी देख सकते हो कि दोस्तों ATM मशीन कहाँ पर है, ठीक है, आपको दोस्तों लिखना है ATM नियर मी और दोस्तों फिर आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके जितने भी आसपास के ATM होंगे वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्सिस बैंक ATM, ठीक है, दोस्तों यदि आपको पंजाब नेशनल बैंक का ATM चाहिए दोस्तों आपको वहाँ पर ऊपर की साइड लिख देना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पंजाब नेशनल बैंक का ATM दोस्तों यहाँ पर है, ये लोकेशन भी देखने को मिल जाएगा, फोटो भी देखने को मिल जाएगा, किस रोड पर दोस्तों आपका ATM ये मिल जाएगा। दोस्तों पूरी जानकारी आप सिर्फ गूगल मैप के जरिए से अपनी जो घूमने की बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चलिए आपका दिन शुभ हो।